नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु उपाराशर। देख रहे होंगे आप, कुछ अलग सा है। क्लास 11 12th नहीं है, कॉमर्स नहीं है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एमपी पटवारी एग्जाम के बारे में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम के बारे में। देखिए, मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। मैं बेसिकली जनरल मैनेजमेंट पर बात करूंगा। इन सब्जेक्टों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर जनरल मैनेजमेंट से मेरा लेना देना है। और मैं इनकी क्लासेस की बात करूंगा जो मैं आपके लिए लूंगा। जी हाँ, मैं आपको जनरल मैनेजमेंट पटवारी में जो एक एग्जाम में जो एक सिलेबस एक सब्जेक्ट आने वाला है 25 मार्क्स का, जितना आइडिया लग रहा है एमसीक्यूज देख के, क्वेश्चंस देख के, लोगों ने जो टेस्ट सीरीज लगाई है उनके फॉर्मेट देख के जो समझ में आ रहा है कि 25 नंबर का ये आएगा, 25 मार्क्स का आएगा ये। ये कैसे पता चल रहा है? ये जो उन्होंने टेस्ट सीरीज बनाई है, जो एप्स ने, जो कुछ बड़े बड़े यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐप हैं, उन्होंने जो टेस्ट सीरीज बनाई उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो मेरा जो आज बेसिकली काम है वो ये बताना है कि इसमें किस तरीके से आपसे क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर उससे, उस बात को करने से पहले कुछ बातों को सबसे पहले जान लेते हैं। पहली बात, एमपी पटवारी का एग्जाम अलग होता था, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम अलग होता था। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में अभी ये मैनेजमेंट आने लगा। जी नहीं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पहले भी मैनेजमेंट आता था, पहले भी मैनेजमेंट आता था। जनरल मैनेजमेंट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आता था। कुछ एग्जाम होते थे जैसे ऑडिटिंग के एग्जाम हो गए, उसमें भी ये अकाउंटेंसी वाला पार्ट आता था, है ना। 2017 में जो लेबर इंस्पेक्टर और इन सब पे पोस्ट निकली थी, मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पे, उसमें भी मैनेजमेंट था, है ना। तो मैनेजमेंट था, सारी चीजें थी, पर ये एमपी पटवारी की इस बार जो वैकेंसी निकली है उसमें भी इन्होंने जनरल मैनेजमेंट इंक्लूड कर दिया। पहले पंचायती राज चलता था, इंग्लिश और कुछ सब्जेक्ट्स नहीं थे, और इस बार काफी सारे 8 सब्जेक्ट की तरह लाकर ही खड़ा कर दिया गया है। यदि आप रूल बुक पढ़ोगे, ये सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और ये पटवारी एग्जाम्स की पूरा नोटिफिकेशन देखोगे और जब रूल बुक पढ़ोगे तो वहां पर सिंपल भाषा में सामान्य प्रबंधन लिखा हुआ है ना, जनरल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। पर कोई भी ऐसा नहीं बताया कि यार हम डायरेक्टिंग पूछेंगे, कंट्रोलिंग पूछेंगे, प्लानिंग पूछेंगे, ऑर्गेनाइजिंग पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ये नहीं बताया गया है। यदि आप जानना चाहते हो कि जनरल मैनेजमेंट में क्या पूछेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले देखना चाहिए। कायदा यही कहता है कि यार क्वेश्चन किस तरीके के पूछेंगे जनरल मैनेजमेंट में, कायदा ये कहता है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। बात पे आ रहा हूं, बात पे धीरे धीरे आ पाऊंगा मैं, पर सुनते रहिएगा। तो जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन, जनरल मैनेजमेंट कैसा आता है पेपर देखने के लिए, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। पर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मैनेजमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैं लिखने की जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा, अकाउंटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैं यदि बात करूं, मैंने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, बिकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, पर मैंने कभी भी मैनेजमेंट को अकाउंटिंग में और इन सब में नहीं देखा, इतना ज्यादा घुला मिला। जनरल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग, ये हो सकता है। पर अकाउंटिंग का भी कुछ क्वेश्चन थे, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वहां पर आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो मेरा क्या कहना है, मेरा आपसे कहना यही है कि मैं कल से, मतलब यानी कि 15 तारीख से, यदि आपको ये वीडियो 15 तारीख को आप देख रहे हो तो आज से ही 15/1/2023 और आपका एग्जाम कब है, 15 मार्च 2023, मतलब टोटल 60 डेज बाद आपका एग्जाम है। तो 60 डेज तक मैं डेली बेसिस पर आपको एक क्लास मिलेगी इसी चैनल पर। जी हाँ, हिमांशु कोचिंग क्लासेस, या तो आप इसको फेसबुक पे देख रहे होंगे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे होंगे आप। तो इसको मैं 60 दिन आपको पढ़ाऊंगा, किसको, जनरल मैनेजमेंट को। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि पटवारी में जो एक सब्जेक्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जितना मुझे लगता है, अभी पक्का नहीं है, जब वो पेपर फर्स्ट शिफ्ट होगी उस दिन पता चलेगा कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जीएस में कितने पूछ रहा है, जनरल साइंस में कितने पूछ रहा है और मैनेजमेंट में कितने पूछ रहा है। पर अभी हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि काफी सारी टेस्ट सीरीज यही पहला पैटर्न फॉलो कर रही है, 25 25 25 25 वाला, क्योंकि 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है और 8 से यदि 200 को डिवाइड करोगे तो 25 आता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो जनरल मैनेज, अब आपको क्लासेस कैसे दिखेंगी, देखो मैं क्लास 12th के लिए क्लासेस ले रहा हूं बिजनेस स्टडीज की, ठीक है,
वही क्लासेस आपको देखना है। अब आप बोलोगे यार हमको तो क्लास 12th की क्लासेस दिखा रहे हो तुम। हाँ दोस्त, मैं इसलिए आपको क्लास 12th की क्लासेस दिखा रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन 2017 में आए वो क्वेश्चन क्लास 12th से मिलते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये मैं प्रॉपर रिसर्च करके जब आया हूं तब ये वाली बात बोल पा रहा हूं। क्लास 12th में जो मैनेजमेंट में और अकाउंट्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन से मिलता जुलता आपके एग्जाम में पूछने को मिला है जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, क्लास 12th का, मैं सिर्फ अभी 12th की बात कर रहा हूं, बस सिर्फ 12th की, 11th की बात नहीं की मैंने। तो यदि 12th के लिए आप डेली बेसिस पर वो MCQs जो मैं करवाऊंगा वो आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब आपका एक सवाल और होगा, हमको पहले बेसिक से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेसिक से पढ़ना है तो या तो ये जिन्होंने एग्जाम निकाला है जिस संस्था ने, इसको कम से कम एक साल देना चाहिए था नोटिफिकेशन निकालने के बाद, एक क्या एक साल बाद हम एग्जाम लेंगे, क्योंकि आप मैनेजमेंट का और अकाउंटिंग का 2 महीने में सिलेबस नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। आप कर भी लोगे तो वहां से क्वेश्चन फंसेगा या नहीं ये आप भी नहीं जानते। क्लियर है वाली बात, क्योंकि इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर है। आप खुद सोचिए ना, मैथ्स, चलो मैथ्स में तो ये है कि हम कुछ चैप्टर्स रहते हैं, मिनिमम चैप्टर्स हैं, उन्हीं की उनको अगर हम करके चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले जाएंगे तो वहां पे हम कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा समंदर है जनरल मैनेजमेंट के अंदर, कई सारी चीजें हैं, कई सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या पूछ ले आपको पता है? नहीं पता। मैथ्स में पता है वो हमको क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग में पता है हमको क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश में भी हमको पता है। आपको जीके में नहीं पता होगा क्या पूछ ले वो, कंप्यूटर में पता होगा आपको, जनरल साइंस में नहीं पता होगा क्या पूछ लिया जाए वहां पे। समझ में आ रही? ऐसे ही ये है जनरल मैनेजमेंट। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप डेली बेसिस पर, डेली में एक वीडियो अपलोड किया करूंगा, ठीक है, या तो फिर वो बिजनेस स्टडीज की होगी वो आपके लिए जनरल मैनेजमेंट है, और या फिर वो अकाउंट्स की होगी वो आपके लिए जनरल मैनेजमेंट है। आपको डेली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहां पर हिमांशु कोचिंग क्लासेस के नाम से आपको एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और डेली बेसिस पर ये क्लास लगाइए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बाकी आप लोग समझदार हैं, है ना, बाकी आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, किसी ने कोई ने सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा या कोई बुक से पढ़ रहा होगा, पर एक आध दो दिन, या फिर मैं आपको कमेंट कॉलम में 2 क्लासेस दे रहा हूं जो मैंने अभी रिकॉर्ड की है, मतलब ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं 2 क्लासेस, उनको एक बार देखिए, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, ज्यादा नहीं करवाए, क्योंकि उसमें मैंने समझाया भी है आपको। समझ में आ गई बात? जितना हो सके 1-liner फॉर्म में और जितना हो सके MCQs सॉल्व करने की कोशिश करें इसको लेकर और इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, क्योंकि अब हमारे पास कल की डेट से 2 महीने बाद हमारा एग्जाम है, और अभी यदि हम ये सोचते हैं कि हम एकदम बेसिक से लेकर हाई तक पहुंच जाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा सिर्फ वहम है। क्लियर है वाली बात? चलिए हम मिलेंगे आप कल, और कल हम बेसिकली इसको स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी आइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप एस्पिरेंट हैं डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।